जैन, मैं अरविंद राय, और हम लोग की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और 40 दिनों के लिए हम अपने घर प्रयागराज में आज उपस्थित हैं और छत पे बैठे हुए हैं और सोचा कि आप लोगों से कुछ बात हो जाए। तो एक पढ़ने से पहले एक आप योग का एक अनुलोम विलोम है उसको कर सकते हैं। उसको करने से याददाश्त शक्ति पे असर पड़ता है, प्लस जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो लगता है, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और खासकर फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों को भी ये पता होगा इसके बारे में। उसको करने की जो टेक्निक है उसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये प्रूफ है। हम लोग स्पोर्ट्स में तो यूज़ करते ही करते हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि हमारा जो थकान होती है हमारे शरीर में, जो भी थकान होती है, हमारे दिमाग में जो भी थकान होती है, ऑक्सीजन के डेप्थ की यानी कमी की वजह से होती है। और इसको करने से, अनुलोम विलोम करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी एक्सपांड होती है, बढ़ती है। और जब लंग्स की कैपेसिटी एक्सपांड होती है, बढ़ती है, तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होल्ड करता है। और ऑक्सीजन ज़्यादा लेने से ये होता क्या है कि हमारे जो शरीर का जो जो थकान की कमी है वो पूरी हो जाती है। ऑक्सीजन जितनी नीड होती है हमारे शरीर को वो पूरी हो जाती है और हमारा दिमाग अच्छे से कार्य करता है। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो उसको मैं करने को बता रहा हूँ आप लोग को, ये जरूर करिएगा। और इसको करने से एक और फायदा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो इससे भी फायदा है। और प्लस आपके अधिकांशतः आजकल के जो लाइफ में जो मेंटल डिजीज हैं उसमें भी काम करता है। आप लोग जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं उसके लिए फायदेमंद है। और ये हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों पर काम करता है, इसको हम लोग अनुलोम विलोम बोलते हैं। और इसको मैं बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। बाय नॉस्टल, मतलब ये जो बाया नासा चित्र है इसको हम लोग चंद्र स्वर बोलते हैं, और ये दाहिना नॉस्टल को हम लोग बोलते हैं सूर्य सूर्य स्वर, ठीक है। तो जब भी पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप देखिए कि आपकी जो ब्रीथ है, सांस है, किस नॉस्ट्रल से, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल से या राइट नॉस्ट्रल से आ रही है। जिससे भी आ रही है हम इससे ही इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने चेक किया तो मेरा लेफ्ट से आ रही है, तो इसको हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हाथ को ऐसे ले लीजिए, ये नॉस्ट्रल को, राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से दबाइए और इसको इस मुद्रा में कर लीजिए, ठीक है। इसको करने से क्या है, दूर करने से क्या, अगर ऐसे कर लेते हैं नज़दीक तो हाथ में जितने भी जम्स होंगे वो आपको ब्रीथ के साथ अंदर जाएंगे, इससे नुकसान होगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, हाथ थोड़ा सा वाइड करिए, फिर इससे बाय नासल से इनहेल करिए, सांस खींचिए, लंबा सांस खींचिए और होल्ड मत कीजिए, तुरंत ही इस चीज़ से, इन दोनों फिंगर से बाय नासों को बंद करके उसको सांस दाहिने से रिलीज कर दीजिए। और रिलीज भी मैक्सिमम करना है जितना आप कर सकें, ठीक है। देखिए जैसे रिलीज हुआ उसके बाद फिर आप इनहेल कीजिए, सांस फिर लीजिए, फिर दूसरे नाक से रिलीज कीजिए। इसको आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक हाईएस्ट ले जाइए, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अलग अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये चीज आप डेली में करिए और 40 दिन हम आपके साथ बने रहेंगे, कुछ न कुछ नई टिप्स हम आपको पढ़ाई के लिए देते रहेंगे। और एक चीज और था कि आज हमारा पहला दिन था, तो हम लोग आज ऐसे जनरल बैठे हुए थे, तो सोचा कि कुछ वीडियो आप लोग बनाया जाए। तो जय हिंद, जय भारत।